गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यू कंसेप्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म स्टार्ट करने से पहले हम कुछ वैल्यूज़ जो है जो आपको याद रखनी है, जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो इनडिटरमिनेट फॉर्म में जो कंसेप्ट यूज़ होने वाला है वो लिमिट वाला कंसेप्ट यूज़ होगा। जो भी टर्म्स है आपको वो लिमिट के रिजल्ट से ही अप्लाई करना है। जो ऑलरेडी आप प्रीवियस लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 11th में 12th में जो है वो लिमिट कंटिन्यूटी आपने पढ़े हैं। तो देखिए कुछ वैल्यूज़ जो है जो आपको याद होना ज़रूरी है। log 1 की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है, ये आपको याद रखना है। log 0 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी होता है। log इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो ये वैल्यूज़ बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। जब भी आप लिमिट अप्लाई करेंगे, जब भी वैल्यू पुट करेंगे और ये वैल्यू आती है तो आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या है, इसके आंसर लिखना है आपको। और कुछ लिमिट के रिजल्ट है जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो ऑलरेडी आपने पढ़े हैं, जो आपको याद होने चाहिए। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, टेन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, 1+1 अपॉन एक्स रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई होता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1+x रेस टू पावर 1/x इज इक्वल टू ई होता है। तो ये 4 रिजल्ट, और ये वाला जो रिजल्ट है लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, इसको अगर आप इंटरचेंज करेंगे, मतलब x अपॉन साइन एक्स करेंगे तो भी आंसर 1 आता है। इसको भी अगर इंटरचेंज करेंगे, x अपॉन टेन एक्स करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आता है, 1 आता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो है, ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसका पहला जो फॉर्म है वो 0/0 फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म में आपको 4-5 टाइप के जो है वो फॉर्म पढ़ने हैं। 1/1 जो है वो एक एक टाइप में आपको बताऊंगा, और फिर उसके एग्जांपल भी देखेंगे, और फिर सेकंड टाइप पे जाएंगे, ठीक है। तो सारे टाइप में एक साथ नहीं बता रहा हूँ आपको, 1/1 बताऊंगा, ठीक है। तो पहला फॉर्म हमको पढ़ना है 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म मतलब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी आंसर 0 आएगा, डिनोमिनेटर में भी आंसर 0 आएगा। तो 0/0 फॉर्म जो है वो इनडिटरमिनेट है, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको ये रूल अप्लाई करना है, एल हॉपिटल रूल, ठीक है। ये एल हॉपिटल रूल है, हालांकि इसका देखो जो प्रोनाउंसिएशन है वो हॉपिटल ही आएगा, हॉस्पिटल नहीं आएगा, राइट है। तो ये है एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट बोथ आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, एंड लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है वेरिएबल एक्स के, और दोनों के दोनों कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पर, एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पर। और साथ ही साथ जो है दोनों की वैल्यू, देखो लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स का मतलब है लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो लिमिट ऑफ लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्सटेंस टू ए जी ऑफ एक्स दोनों की वैल्यू जीरो है। देन लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स प्रोवाइडेड जी डैश ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर आपके पास लिमिट ये एफ ऑफ एक्स की लिमिट एक्स टेंस टू ए पर, जी ऑफ एक्स की लिमिट एक्स टेंस टू ए पर जीरो है, मतलब यहाँ पे ये जो रेशो बन गया आपका एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, यहाँ पे अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स जीरो है, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स भी जीरो है, मतलब न्यूमरेटर में भी जीरो आंसर है, डिनोमिनेटर में भी जीरो आंसर है। तो ये 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म पर ही एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। एल हॉपिटल रूल है क्या, एल हॉपिटल रूल अगर आपके पास 0/0 फॉर्म आ जाता है तो आप क्या करो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, देखो ये एफ डैश ऑफ एक्स क्या डिनोट कर रहा है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, आपको न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करना है और डिनोमेटर का डिनोमेटर में डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल, राइट है। यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई नहीं होगा, ये हॉपिटल रूल है। हॉपिटल रूल का मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करो, डिनोमेटर का डिनोमेटर में डिफरेंशिएट करो, अगर ये 0/0 फॉर्म है तो। क्लियर हुआ। अब इसके ऊपर हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, मैं एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 है, इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 कॉस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स टू पावर 4। ये एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन मैं इसको डिनोट कर देता हूँ एल से, एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 कॉस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इज टू पावर 4। तो देखो आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट का रूल है, आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करो, मतलब एक्स टेंस टू 0 रखो,
अब मैं मैनुअली कैलकुलेशन करूँगा, देखो एक्स टेंस टू जीरो मैं रखूँगा, मतलब एक्स की पोजीशन पे जीरो रखूँगा, तो यहाँ पे एक्स की पोजीशन पे जीरो, कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, आपको ये ऐसे कैलकुलेट करके लिखना नहीं है, मैनुअली कैलकुलेट करके देखना है कि आंसर क्या आ रहा है। अगर जीरो बाय जीरो आंसर आ रहा है तो हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक्स की जगह जीरो रखें तो कॉस जीरो, कॉस जीरो आपको पता होता है वन होता है, आगे है माइनस टू और उसके बाद है प्लस, और यहाँ पे एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो स्क्वायर जीरो होता है, राइट है। देखो इसको कैलकुलेट करो, टू इंटू वन टू, टू माइनस टू जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, तो न्यूमरेटर में आंसर जीरो आ रहा है ये लिमिट अप्लाई करने पर। और डिनोमेटर में तो एक्स टू फोर, एक्स की जगह जीरो रखूंगा तो जीरो ही आंसर आएगा। तो एक्स टेंस टू जीरो जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर न्यूमरेटर में भी जीरो है, डिनोमेटर में भी जीरो है, मीन्स ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है। अब जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो जीरो बाय जीरो पर फॉर्म पर हम क्या अप्लाई करते हैं, एल हॉपिटल रूल जस्ट अभी हमने देखे थे, ठीक है। तो यूजिंग एल हॉपिटल रूल, तो देखो एल हॉपिटल रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में, ठीक है, एज इट इज। तो टू एज इट इज है कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस जो है वो टू से पहले लगाना है, क्योंकि टू जो है कॉस एक्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव भी जो है वो टू से मल्टीप्लीकेशन रहेगा। अगर आप यहाँ पे माइनस साइन यहाँ लगाएंगे तो ये एक टर्म्स का दो टर्म्स हो जाएगा, अगले स्टेप के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा और आप गलती कर जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि टू इंटू कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव भी जो है वो टू के साथ मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, वो दो टर्म्स नहीं बनाएगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो मैं माइनस को पहले लिख लेता हूँ, उसके आगे जो है वो साइन एक्स, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ टू जीरो होता है, जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, राइट है। मैं लिख देता हूँ अभी फिलहाल, माइनस डेरिवेटिव ऑफ टू जीरो प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, टू एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमीटर के अंदर डिनोमीटर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर फोर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, फोर एक्स क्यूब। तो ये मैंने एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया हूँ। अब फिर से हम जो है वो लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रही है, क्योंकि जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रही है तो फिर से हमको एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा जब तक कि जीरो बाय जीरो फॉर्म यहाँ से हट नहीं जाती, राइट है। तो एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे साइन जीरो, एक्स की जगह जीरो लगाएगी तो साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, जीरो मल्टीपल समथिंग पूरा जीरो, राइट है। और ये तो जीरो है, यहाँ पे एक्स की जगह जीरो, टू इंटू जीरो जीरो, ये भी जीरो, जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, पूरा आंसर जीरो, न्यूमरेटर में जीरो, डिनोमीटर में एक्स की जगह जीरो लगाएंगे तो फोर इंटू जीरो जीरो आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका जीरो बाय जीरो फॉर्म, जीरो बाय जीरो फॉर्म है, मतलब फिर से आपको क्या अप्लाई करना है, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है। तो बाय एल हॉपिटल रूल, तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, माइनस टू कॉन्स्टेंट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, ये जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, आगे है प्लस, और डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स हो जाएगा टू, डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स टू होता है, डिवाइडेड बाय फोर एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ फोर एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, ये जो थ्री है कोफिशियंट में आ जाएगा तो फोर ज़ा थ्री ट्वेल्व हो जाएगा, थ्री में से एक माइनस करेंगे तो टू बचेगा। अब फिर से हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, जैसे अभी हमने देखे माइनस टू इंटू वन, माइनस टू, माइनस टू, प्लस टू, जीरो, न्यूमरेटर में जीरो, डिनोमीटर में एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो आंसर। तो ये है आपका जीरो बाय जीरो फॉर्म, जीरो बाय जीरो फॉर्म मीन्स फिर से क्या अप्लाई करना है, फिर से आपको एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है, बाय एल हॉपिटल रूल, बाय एल हॉपिटल रूल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फिर से देखो यहाँ पे कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स, और उसके आगे है प्लस, डेरिवेटिव ऑफ टू जीरो, प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं, किसी भी टर्म में जीरो को प्लस करेंगे तो वही आंसर आने वाला, तो प्लस टू, टू का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, उसके बाद डिवाइडेड बाय डिनोमीटर के अंदर ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, टू एक्स, टू मल्टीपल ट्वेल्व कितना हो जाएगा, ये ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर एक्स, क्लियर हुआ। अब अगर आप देखेंगे तो ये रिजल्ट बन गया है ऑलरेडी, साइन एक्स अपॉन एक्स जस्ट अभी मैंने लिखा था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, वन होता है, तो टू से ट्वेंटी फोर कैंसल, वन अपॉन ट्वेल्व, और ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू वन होगी। तो
तो टोटल आंसर कितना आ गया आपका 1/12, एल इज इक्वल टू 1/12 जो आपको कैलकुलेट करना था। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैंने एल से डिनोट किया था, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, मतलब एल की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हमने ये कैलकुलेट की और एल इज इक्वल टू कितना बना 1/12 आंसर बना। तो देखो आपका ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा, और भी एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ ताकि कंसेप्ट आपका जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं इसको एल से डिनोट कर लेता हूँ, एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। अब हम डायरेक्टली पहले लिमिट अप्लाई करके देखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई रेस्ट टू पावर 0 1 होता है, पता है सभी को, प्लस यहाँ पे एक्स की जगह 0 रखें तो साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और आगे है माइनस 1 और ये प्लस 1 माइनस 1 ये भी कैंसिल, मतलब आंसर कितना बचा 0। न्यूमरेटर में आंसर 0, डिनोमिनेटर में एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 1 तो लॉग 1, ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर लॉग 1, लॉग 1 की वैल्यू जस्ट अभी आपको बताया लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग 1 की वैल्यू 0, तो न्यूमरेटर में भी 0 डिनोमिनेटर में भी 0 मीन्स ये आपका 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, मीन्स आपको ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करना है। तो बाय एल हॉस्पिटल रूल लिमिट एक्स टेंस टू 0 और एल हॉस्पिटल रूल क्या है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, डिवीजन रूल अप्लाई नहीं करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ये मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं कि वो डिवीजन रूल अप्लाई कर देते हैं, डिवीजन रूल नहीं है ये, एल हॉस्पिटल रूल मतलब ये लिमिट का प्रॉब्लम है, यहाँ पे 0/0 फॉर्म आती है, तो एल हॉस्पिटल रूल का मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, अलग अलग सेपरेट सेपरेट। तो ई रेस्ट टू पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, ई रेस्ट टू पावर एक्स हो जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और आगे है माइनस 1, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी भी टर्म में से अगर माइनस 0 करेंगे तो वही आंसर आने वाला जो है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के अंदर लॉग एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, लॉग एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1/x+1 होगा, राइट है। तो अब हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, देखो ई रेस्ट टू पावर 0 1 कॉस 0 1 1+1 2, न्यूमरेटर में 0 नहीं आंसर नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे समथिंग कुछ ना कुछ नॉट इक्वल टू 0 आंसर आ रहा है, अब यहाँ पे लिमिट आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, मैं यहाँ लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, ई रेस्ट टू पावर 0, ई रेस्ट टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह 0 रखे 0+1, 1 डिवाइडेड बाय 0+1। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या बचा, डिनोमिनेटर के अंदर 0+1 1, 1/1 1, डिनोमिनेटर में 1 बचा, डिनोमिनेटर के 1 को लिखने की जरूरत नहीं, न्यूमरेटर में आंसर 1+1 2, तो इसका फाइनल आंसर 2 आ गया, तो एल इज इक्वल टू 2 आंसर। तो इस तरह से जो है वो लिमिट के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके, जितने भी प्रॉब्लम आएंगे आपको वो 0/0 फॉर्म के या फिर अगले आने वाली जो फॉर्म है उसके रहेंगे, आपको चेक करना है कौन सा फॉर्म है, फिर उसको जैसे उसका प्रोसीजर है वैसे उसको आपको सॉल्व करना है, तो 0/0 फॉर्म को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं और भी एग्जांपल आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि ये कंसेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3, ये 2 एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 3 है, इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई रेस टू पावर ए एक्स माइनस ई रेस टू पावर बी एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1+bx। तो इसको मैं एल से डिनोट कर लेता हूँ, ई रेस टू पावर ए एक्स माइनस ई रेस टू पावर बी एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1+bx, ठीक है। अब देखो लिमिट अप्लाई करेंगे और देखेंगे आंसर कितना है इसका, x टेंस टू 0 ई रेस ए एक्स की जगह 0 रखे तो a इंटू 0 0 होता है, ई रेस टू पावर 0 1, ठीक है, माइनस यहाँ पे भी x की जगह 0 रखे तो ई रेस टू पावर 0 आंसर आएगा, ई रेस टू पावर 0 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, न्यूमरेटर में आंसर 0 आ गया, डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पे x की जगह 0 रखे तो b इंटू 0 0, 1+0 1, लॉग 1, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर में भी 0 डिनोमिनेटर में भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, मीन्स आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते, लिमिट एक्स टेंस टू 0 डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स कितना होगा, ई रेस्ट टू पावर ए एक्स
इंटू ए, ठीक है। ये इंटू ए कहाँ से आया, कंपोजिट पार्ट है। देखो ई रेस्ट पावर ए एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह ए एक्स आ गया, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। तो ई रेस्ट पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर ए एक्स होगा, और मल्टीपल ए एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे माइनस, यहाँ पे ई रेस्ट पावर बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस्ट पावर बी एक्स इंटू बी, और होल डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में लॉग वन प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव। लॉग वन प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस बी एक्स, और मल्टीपल फिर ये वन प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा, तो वन का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा और बी एक्स का डेरिवेटिव बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आसान आसान डिफरेंशिएशन ऑलरेडी जो है हमने पढ़े हैं, 12 में भी पढ़े और मैंने भी आपको क्लास में रिवाइज करके बताया था, ठीक है। तो वन प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस बी एक्स, और ये बी एक्स वन प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव आगे मल्टीपल करके करें तो बी आंसर आया है, ठीक है। ठीक है, अगर आपको डेरिवेटिव में और भी दिक्कत है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जो है वो बेसिक डिफरेंशिएशन करके एक वीडियो बने हैं, तीन चार वीडियो है उसके अंदर बेसिक डिफरेंशिएशन उसमें बताया हूँ मैंने, वो भी आप देख सकते हैं जाके, ताकि आपका डिफरेंशिएशन अगर वीक है तो उसको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो आप लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पे x की जगह जीरो रखे तो e रेस्ट टू पावर जीरो वन हो गया, वन मल्टीपल a a आंसर आया यहाँ पे, यहाँ पे x की जगह जीरो रखे तो e रेस्ट टू पावर जीरो वन हो गया, वन मल्टीपल b b हो गया, तो न्यूमरेटर में आंसर a माइनस b आ रहा है, मतलब जीरो नहीं आ रहा है, मतलब आप लिमिट अप्लाई करना है। तो आप लिमिट अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे e रेस्ट टू पावर जीरो वन, और आगे है a माइनस e रेस्ट टू पावर जीरो वन, और इसके बाद आंसर है b, और डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में यहाँ पे x की जगह जीरो रखेंगे तो वन प्लस जीरो वन हो गया, वन अपॉन वन वन हो गया, वन मल्टीपल b b हो गया, देयरफॉर आंसर कितना आ गया देखो, वन इंटू ए ए माइनस वन इंटू बी बी डिवाइडेड बाय b। तो ये आंसर हो गया l इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन बी आंसर, ठीक है। तो देखो क्लियर हुआ, ये थ्री एग्जांपल मैंने सॉल्व करके बताया हूँ, एक एग्जांपल मैं और सॉल्व करके बताता हूँ, उसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। तो अगला एक लास्ट एग्जांपल हम देखेंगे, एग्जांपल नंबर फोर। एग्जांपल नंबर फोर है, इवैल्यूएट एक्स कॉस एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हमको करना है लिमिट सॉल्व करना है इसकी, तो देखो सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो, इसको मैं l से डिनोट कर लेता हूँ, x cos x माइनस log वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट अप्लाई करो, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, देखो x है यहाँ पे, x की जगह जीरो रखे तो ये जीरो आंसर हो गया, cos जीरो वन होता है, जीरो मल्टीपल वन जीरो आंसर हो गया। यहाँ पे अगर देखें तो x की जगह जीरो, वन प्लस जीरो वन हो गया, log वन, log वन की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, न्यूमरेटर में जीरो, डिनोमीटर में x की जगह जीरो रखेंगे तो ये जीरो आंसर, तो न्यूमरेटर में भी जीरो डिनोमीटर में भी जीरो, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है। मीन्स आपको एल ऑपरेटर रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो एल ऑपरेटर रूल हम अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो न्यूमरेटर में देखेंगे x cos x मल्टीप्लीकेशन में, तो इसका डेरिवेटिव कैसा होगा, प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लीकेशन में है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, तो x cos x का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन x, ठीक है। उसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन cos x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वन। तो ये जो डिफरेंशिएशन किया मैंने, सिर्फ ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हुआ, x cos x का डेरिवेटिव हुआ, x cos x के बीच में मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया हूँ, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, प्लस सेकंड फंक्शन cos x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव कितना, वन लिखे। अब आगे माइनस log 1 प्लस x का डेरिवेटिव, log 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x, और मल्टीपल करके ये 1 प्लस x का डेरिवेटिव यहाँ पे अगर लिखेंगे तो 1 आएगा, 1 मल्टीपल में रहेगा, मतलब यही आंसर इसका है, ठीक है। तो मल्टीपल करके 1 लिखने की जरूरत नहीं है, होल डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। फिर से हम देखो लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, x टेंस टू 0, यहाँ पे x की जगह 0 लगाए तो ये 0, ये 0, राइट, ये 0 आंसर हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे x की जगह 0 रखे तो 1 प्लस 0 1, 1 अपॉन 1 1, ये 1 आंसर आएगा, ये 1, ये माइनस 1, और ये वाला प्लस, आंसर 0। तो न्यूमरेटर में 0 है, न्यूमरेटर में 0 है, और डिनोमीटर में x की जगह 0 रखे तो ये भी 0 है, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म है, 0 बाय 0 फॉर्म है। मीन्स फिर से आपके क्या अप्लाई करना है, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है, तो यूजिंग एल हॉपिटल रूल,
अब मैं इस पे जो है न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करता हूँ। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस इन ब्रैकेट, देखो मैंने ब्रैकेट लगा दिया हूँ क्योंकि ये माइनस माइनस टर्म्स है, इसलिए मैं इसका जो डिफरेंशिएशन है एक्स साइन एक्स का वो ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा ताकि माइनस साइन जब अंदर इंटर होगा तो सबकी साइन जो है वो चेंज होगी। तो एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसा होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव वन होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ डेरिवेटिव किसका हुआ, ये डेरिवेटिव हुआ आपका एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव हुआ है। ठीक है, तो एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद है आगे कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और उसके बाद जो है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव। उसके बाद देखो माइनस ये माइनस है एज इट इज और उसके बाद जो है वन अपॉन वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव। जैसा आप वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं ये रिजल्ट आपको पता होगा डी बाई डी एक्स वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, वैसे ही वन अपॉन वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि वन अपॉन वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर होगा ये इस रिजल्ट से। ठीक है, फिर मल्टीपल करके आप ये वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन ही होगा, मल्टीपल करके वन लिखेंगे तो आंसर तो वही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय डिनोमीटर के अंदर, डिनोमीटर के अंदर एक्स टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। राइट है, अब डिनोमीटर में तो नॉट इक्वल टू जीरो आंसर आएगा क्योंकि लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, मतलब इसका आंसर जो है वो टू है, मतलब आपको लिमिट अप्लाई कर देना है क्योंकि अब जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं आने वाली। तो लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस इन ब्रैकेट एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो ये टर्म जीरो हो गई प्लस साइन जीरो जीरो होता है माइनस साइन जीरो जीरो होता है, क्लियर हुआ। उसके बाद ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, एक्स की जगह जीरो जब रखेंगे यहाँ पे तो वन प्लस जीरो वन हो गया, वन स्क्वायर वन होता है, वन अपॉन वन वन आंसर आएगा और होल डिवाइडेड बाई टू। देयरफॉर देखो न्यूमरेटर को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर वन डिवाइडेड बाई टू, तो ये इसका आंसर हो गया वन बाई टू। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये लिमिट के जीरो बाय जीरो फॉर्म के एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल जो है आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं, उसके आंसर भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये एग्जांपल नंबर फाइव जो आपको सॉल्व करना है, इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर है थ्री बाय टू, इसका आंसर थ्री बाय टू है। के बाद एग्जांपल नंबर सिक्स, इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स माइनस एक्स प्लस वन अपॉन सिक्स एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स इज टू पावर फाइव, इसका आंसर है वन अपॉन ट्वेंटी, वन ट्वेंटी वन अपॉन वन ट्वेंटी ये आंसर है। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर सेवन, इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए रेस्ट पावर एक्स माइनस बी रेस्ट पावर एक्स अपॉन एक्स, इसका आंसर है लॉग ऑफ ए अपॉन बी, लॉग ए अपॉन बी इसका आंसर है। ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल और ये इसके आंसर्स लिखे हैं, ये आपको सॉल्व करना है। अगर डाउट्स आते हैं तो डाउट्स जो है मेरे से पूछना है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में और हम जो है वो जीरो बाय जीरो फॉर्म के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।